हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट पॉप्स कुकिंग। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बच्चों को कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, जिसके लिए आज मैं लेके आई हूँ मग केक, जिसको मैं माइक्रोवेव में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में ही बनाऊंगी और इसको मैं खाली 3 सामग्री के साथ ही बनाऊंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमें ऐसा कोई स्टैंड रखना है, अगर ऐसा कोई स्टैंड आपके पास ना हो तो आप कोई ऊंचा सा बाउल भी इसमें रख सकते हैं और इसको 7 से 8 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मग केक बनाने के लिए मैंने ये चॉकलेट ओरियो बिस्किट लिए हैं, ये मैंने 3 लिए हैं और एक चॉकलेट, क्योंकि हम चॉकलेट लावा केक बना रहे हैं, और 1 कप हमने दूध लिया है। बस इतने ही सामान की हमें आवश्यकता है केक बनाने के लिए। सबसे पहले हम बिस्किट के पैकेट को खोलकर मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। मैंने ये बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसी में मैं 1/2 कप दूध डाल करके इसका एक पेस्ट बना के तैयार करूंगी। मैंने इसमें पूरा 1 कप दूध ही डाल दिया है। अब इसका एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ओरियो पेस्ट हमारा फिक्स करके तैयार है। अभी मैंने 2 पैकेट को भी पीसा है। अभी मैं 1 पैकेट और डाल करके इसको ग्राइंड करूंगी। 3 पैकेट ओरियो पीस करके हमारे तैयार है। इतना पेस्ट बनाने के लिए हमें 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। हमारा पेस्ट ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह का ही बैटर होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगा के इनको थोड़ा ग्रीस कर देना, जिससे कि हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं। आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करेंगे। इसको हमें पूरा नहीं भरना है क्योंकि ये पकने के बाद भी ऊपर तक आ जाएगा। अब इसमें 1-1 चॉकलेट क्यूब्स को डालना है। मैंने ये डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया है, आप इसमें किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद हमें इसमें 1-1 चम्मच पेस्ट ऊपर से डालना है, जिससे कि ये चॉकलेट अच्छे से कवर हो जाए। इसको एक बार इस तरह से टैप करते हैं जिससे कि चॉकलेट और पेस्ट दोनों एडजस्ट हो जाए। इसमें मैंने चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ओरियो बिस्किट बहुत मीठे होते हैं और ना ही मैंने इसमें किसी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। बस इस केक को हम ऐसे ही बनाएंगे। कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्री हो गई है। अब इसमें हम इस तरह की एक प्लेट रखेंगे और प्लेट में हम मग और ये कटोरिया रख देंगे। मैंने आपको मग में और कटोरियों में दोनों में बना के बता रही हूँ, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट हो जाए तो एक बार आप चेक करें। केक को हमारे बनने में भी 5 मिनट और हैं। ये मेरे पास थोड़े से केक स्प्रिंकल पड़े हुए हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। अगर आपके पास ये हो तो आप डालें, अगर ना हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए और छोड़ दें। 5 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इनको चेक करते हैं। केक हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कपकेक हमारे बन करके तैयार है। ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी केक बन करके तैयार है। मैं आपको एक बार चेक कराती हूँ। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप भी अपने घर पे कपकेक बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके एंड बाय बाय।